है एवरीवन, आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं होंडा की ST125। इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसे लिए हुए लगभग एक साल कंप्लीट हो गया है एंड बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी होंडा ST125। तो आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये एक साल के बाद या एक कहें तो 11,500 किलोमीटर के बाद इसकी तीनों सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, 11,500 किलोमीटर के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका एवरेज कैसा है, सब हम दिखाएंगे यहाँ से क्लिक करके, और कैसी चल रही है वो भी दिखाऊंगा पूरा। आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन एकदम सही है। अभी मैंने इसकी थर्ड सर्विस कुछ महीने पहले ही करवाई है। इसके बगल है एक 20 साल पुरानी स्प्लेंडर, इसका भी रिव्यू होगा, परेशान मत होइएगा। देन ST125 जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, तो बाइक में प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, ये पिकअप एकदम तगड़ा अभी तक है और मीटर कंसोल भी एकदम तगड़ा है। एवरेज की बात करूँ अगर मैं तो एवरेज बहुत अच्छा दे रही है, और इसमें दिखाता हूँ आपको एवरेज 71.7 का एवरेज दिखा रहा है, जो कि 65 तक आराम से निकाल देता है। एंड देख सकते हैं इसमें फ्यूल रेंज सब सही, सारे सेंसर्स काम कर रहे हैं, और ये सर्विस का सेंसर दिखा रहा है, उसकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं कितना सही अभी चल रहा है ये। एंड बात करें इसकी कंडीशन की, तो कंडीशन एकदम सही है, एक साल मैंने यूज़ कर लिया है तब भी DRL एकदम सही चल रहा है, ना ही कोई कुछ गाड़ियाँ होती हैं कुछ चलने के बाद उनका मीटर हिलने लगता है या कुछ होने लगता है, तो इसका कोई मीटर नहीं हिलता, ना ही इसमें कोई खड़खड़ाने की आवाज़ आती है कहीं से, और ये पूरा लेदर है। एंड बैग वैग सब सही है, इंडिकेटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये हिला ना कुछ, सब कुछ सही है। उसका डिटेल रिव्यू करूँगा, ड्राइव रिव्यू करूँगा आफ्टर 1 ईयर और 11,500 किलोमीटर के बाद। अगर आपको चाहिए तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और कमेंट्स में पूछिए अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो। बाय बाय।